सो गाइस गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा। सो गाइस आज के वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको कि एक एलएन का स्टूडेंट का पूरा दिन कैसे स्पेंड होता है, ठीक है। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा। सो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी हमें जाना है अपना इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमारा जो बैच है वो है सुबह वाला। और गाइस अभी हम पूरा फुल तैयार हो चुके हैं एलएन के ड्रेस में, और अभी हम करेंगे ऊपर जाके नाश्ता, फिर चलेंगे अपना इंस्टीट्यूट, ठीक है। लिफ्ट बंद है अभी। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, तो अभी हम चलेंगे एलएन इंस्टीट्यूट। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लिफ्ट अभी तक बंद पड़ा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बंद है, इतना तो पता है भाई। चलो 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 चलो, भागो भागो। रिसेप्शन काउंटर, हे बच, वाह क्या व्यू है भाई। सूर्योदय हो चुका है, असली राजस्थान यहाँ से दिखता है। इतना खाली जगह कहीं देखे है कोटा में? थोड़ा सा भी नहीं है हमारा हॉस्टल। बिल्डिंग सब बहुत तेजी में बन रहा है। क्रिस्टल गर्ल्स, वाह क्या बात है। तो गाइस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, हमारा जो आई कार्ड है वो हमारे हॉस्टल पे छूट गया। तो गाइस अभी हम जल्दी से चलते हैं अपना आई कार्ड लेकर और जाते हैं, क्योंकि गाइस समय बिल्कुल भी नहीं है, 5-10 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस हम दौड़ के चलते हैं और अपना आई कार्ड लेकर आते हैं। भागो भागो भागो। सो गाइस फाइनली हमने अपना आई कार्ड ले लिया है, जल्दी से भाग के चलते हैं अपना इंस्टीट्यूट। भागो भागो भागो। सो गाइस फाइनली हमने अपना आई कार्ड को ले लिया है। तो गाइस हमारा जो क्लास था वो था 6:45 से, और अभी 6:45 हो चुका है, मतलब यहाँ से एलएन का दूरी अभी भी 50 मीटर है। तो गाइस हमारा 5 मिनट आज क्लास छूटने वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिना आई कार्ड के एंट्री भी नहीं मिलता। तो जल्दी से चलते हैं भाग कर अपना क्लास। मेरे हॉस्टल से तकरीबन 100 मीटर की दूरी है एलएन का, वहाँ पर देख सकते हैं सुपथ बिल्डिंग, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। सो गाइस देखिए वही हमारा एलएन जो कि अभी पूरा दिखेगा। सो गाइस देख सकते हैं हमारा एलएन का बिल्डिंग, और ये रहा एकदम मस्त सनराइज। ये रहा हमारा एलएन का बिल्डिंग, जल्दी से चलते हैं दौड़ के, वरना तो आज 10 मिनट क्लास छूटेगा ही छूटेगा। एलएन का सबसे लंबा चौड़ा बिल्डिंग है भाई, खूबसूरत तो है ही। ये रहा पूरा एलएन का बिल्डिंग, चलते हैं दौड़ के। सो गाइस ये हमारा एलएन और हमारा हॉस्टल का बॉर्डर है, ठीक है। ये जो गाइस आप रोड देख रहे हैं यही बॉर्डर है, इस रोड के उस पार हमारा हॉस्टल और इस पार एलएन का बिल्डिंग। सो गाइस अभी हमें जाना 5th फ्लोर पे, तो जल्दी से चलते हैं भाग के।
तो गाइस फाइनली हम लोग का क्लास ओवर हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे रूम पे, फिर आपसे बात करते हैं। देखिए एलएन इंस्टीट्यूट कितना खूबसूरत। सो गाइस एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये हम लोग का जो है रियल रास्ता नहीं है, ठीक है गाइस। इसका जो मेन रास्ता है वो उधर से थोड़ा सा आगे से कोरल पार्क, ये कैंपस का नाम है और जितने भी हॉस्टल है सब इस कैंपस में है। तो गाइस ये जो कैंपस है यू शेप में है, ठीक है। तो अगर हम मेन रास्ता से जाते हैं तो हमें थोड़ा घूम घाम के आना पड़ता है, और ये जो पीछे वाला रास्ता है इससे सीधा हम अपने हॉस्टल पर पहुँच जाते हैं। तो इसी के लिए हम लोग यही रास्ता से आते हैं। ये रहा पीछे एलन, और यहाँ से 50 मीटर दूर हमारा है हॉस्टल। और गाइस अगर आप आते हैं बाड़न रोड तो यहाँ पे आपको असली राजस्थान दिखेगा। ये देखिए यहाँ का मिट्टी, यहाँ का बंजर खेत, सब कुछ दिखेगा, असली राजस्थान। बाप रे बाप। और ये हमारा हॉस्टल, और वहाँ पीछे एलन, एलन। सेकंड दिन पर दिन ज्यादा होता है। तो आपके साथ एक ज्यादा था पतला, वो थोड़ा गया जयपुर गया। रितु रितु 201 उठ जा, सुबह हो गई। और ये हमारा 208। सो गाइस फाइनली हम लोग कॉलेज से आ चुके हैं। ये है हमारा हॉस्टल, ये है रहीम भाई, और इस रास्ते से हम लोग आए थे। सो गाइस फाइनली हम लोग अपना रूम में आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि कोटा में बहुत गर्मी होता है, ठीक है। इसी के लिए हर हॉस्टल में आपको एक एसी देता है, ऊपर में पंखा भी देता है, ठीक है। तो गाइस मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो क्लास था वो था 6:45 से, ठीक है। तो हम लोग 6 बजे उठे थे, और 6 बजे उठने के बाद नहा धोकर कर फ्रेश होकर गए थे नाश्ता करने, ठीक है। नाश्ता करके 6:40 तक हम लोग अपना क्लास में चले गए थे। आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मेरा आईडी कार्ड रूम पे छूट गया था, तो मैं फिर वापस रास्ता से घूम कर आया था। तो गाइस हमारा जो क्लास है 10:50 तक चला है, ठीक है, 6:45 से 10:50 तक। तो उसके बाद गाइस अभी 11:30 हो रहा है, तो अभी हम 1.5 घंटा आराम करेंगे। 12 बजे से ऊपर लंच लगता है जहाँ पर हम नाश्ता किए थे, तो 12 बजे जाएंगे लंच करेंगे। अभी हमारे पास 1.5 घंटा जो समय है, तो गाइज अभी हम लोग फ़ोन वगैरह चलाएंगे या आराम करेंगे, गाना वगैरह सुनेंगे, ठीक है। और उसके बाद का जो भी होगा वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइज फाइनली 1 बज चुका है, अभी हम गए थे ऊपर, ऊपर मेस से अपना खाना खाकर नीचे आ चुके हैं, फिर से अपना रूम है यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज 1 बज गया, खाना खा लिया हम लोग। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे थोड़ा देर, ठीक है। सो गाइज फाइनली हम लोग पढ़ने बैठे थे 1 बजे, और अभी बज रहा है 2:30, ठीक है। सो गाइज 1.5 घंटा हमने पढ़ लिया है। तो गाइज अभी हमें नींद आ रहा है, तो अभी हम करेंगे आराम, अभी हम जा रहे हैं सोने, और फिर सोकर उठते हैं तब तो आपसे बात करते हैं। लेकिन गाइज आप सबके दिमाग में जिस डाउट आ रहा होगा कि यार नीट ऐसा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 1.5 घंटे का पढ़ाई से क्या होगा, ठीक है। तो गाइज पढ़ाई क्या होता है, हम कब पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं,
और मेरा टाइम क्या है पढ़ने का, मेरा स्ट्रेटेजी क्या है पढ़ने का, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो गाइस अभी जा रहे हैं सोने और फिर सोकर उठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हम लोग सोने के लिए गए थे 2:30 बजे, ठीक है। सो गाइस 2:30 से लेकर 5:30 तक हमने सिर्फ सोया है, आराम किया, ठीक है। गाइस 5:30 में उठने के बाद एक बार हमने नहाया, नहा धोकर कर गाइस कपड़ा वपड़ा पहनने के बाद 6 बज गया। तो गाइस 6 बजे हम गए वहाँ ऊपर नाश्ता करने, ठीक है। तो गाइस आज मिला चाय और बिस्किट। सो गाइस शाम को चाय और बिस्किट लेने के बाद हमें थोड़ा सा मन किया कि थोड़ा आज मार्केट जाना चाहिए, कुछ सामान वगैरह लाना था, ठीक है। सो गाइस मार्केट गए, तो गाइस मार्केट में 1.5 घंटा समय लग गया। तो गाइस उधर से आते आते यहाँ पे 8 बजे के आसपास हो गया था, ठीक है। तो गाइस 8 बजे से हमारा जो रात का खाना है वो मिलता है। तो ऊपर गए मैं इसमें, 8 बजे हमने खाना खाया, रोटी सब्जी दाल प्याज वगैरह मिला खाना, ठीक है। अभी समय हो रहा है 8:30। तो गाइस अभी हम बैठेंगे पढ़ने, ठीक है। अभी हम पढ़ने बैठेंगे, उसके बाद गाइस देखते हैं कि हम कब तक पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो पे बने रहिए। सो गाइज फाइनली 3:30 बज चुका है। गाइज हम पढ़ने बैठे थे 9 बजे, अभी हो गया 3:30। गाइज पूरी रात हमने बस सिर्फ पढ़ाई ही किया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते गाइज मेरा कॉपी बुक सब कुछ रखा हुआ था, मैं अभी फिजिक्स पढ़ा था, ठीक है। तो गाइज पूरी रात जग के हम पढ़ाई किया। गाइज मैं दिन में सोता हूँ और रात को पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि दिन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो दिन में मैं नहीं पढ़ पाता, रात को पूरा अकेला शांति माहौल होता है। तो आराम से रात को अपना, यहाँ पे देख सकते गाइज एसी मेरा चल रहा है, तो आराम से एसी चला लिए, पूरा रूम यहाँ पे ठंडा है और वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो गाइज़ पूरी रात हमने जग के बस पढ़ाई किया है, अभी बज रहा है 3:30। तो गाइज अभी हम जाएंगे सोने, क्योंकि फिर 6 बजे उठ के हमें एल एन जाना है पढ़ाई करने, ठीक है। वहाँ पे क्लास है हमारा 6 बजे से। तो गाइज़ अभी 2.5 घंटा का हम नींद लेंगे, फिर हम 6 बजे उठेंगे, नहा धोवा कर फ्रेश होकर नाश्ता करके फिर एल एन जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ यही था मेरा डेली रूटीन, मैं दिन में सोता हूँ रात को पढ़ता हूँ, ठीक है। सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है, या अपना जिसमें आप कंफर्टेबल है आप तब पढ़िए। तो गाइज बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार तुम बहुत कम सोते हो 2.5 घंटा। तो गाइज मैं दिन में सोता हूँ 4-5 घंटा, ठीक है, रात को सिर्फ 2.5 घंटा ही सोता हूँ। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी अपलोड्स की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।